लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में दो चीज रहता है, एक तो अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे और दूसरा यदि गलत कर्म करेंगे तो नर्क जाएंगे। आप आज के वीडियो में यही जानने वाले हैं कि कौन सा कार्य करेंगे तो नर्क जाने वाले हैं हम लोग। तो आज पूरी वीडियो देखिए और सभी इसमें आपको समझ आएगी कि नर्क जाने वाले लोग कैसे लोग रहते हैं जिनको नर्क जाना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। पुराणों के अनुसार कैलाश के ऊपर स्वर्ग और नीचे नर्क व पाताल लोक माना गया है। संस्कृत सर्व स्वर्ग को मेरु पर्वत के ऊपर के लोको हेतु प्रयुक्त किया गया है। जिस तरह धरती पर पाताल और नरक लोक की स्थिति बताई गई है उसी तरह धरती पर स्वर्ग की स्थिति भी बताई गई है। तो चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि नरक किसे कहा जाता है, नरक जाता है कैसे लोग। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मनमाने यज्ञ कर्म त्योहार उपवास और पूजा पाठ का आविष्कार कर लिया है तथा जो मन घमंड तांत्रिक कर्म भी करते हैं, ऐसे दूषित भावना से तथा शास्त्र विधि के विपरीत यज्ञ आदि करने वाले पुरुष की मिश्र नर्क में गिराया जाता है। इस प्रकार के शास्त्र निषिद्ध कर्मों का आश्रम पापों से पापी सहस्त्र अत्यंत घोर नरक में अवश्य गिरते हैं। अब नरक तो अनेक प्रकार का होता है दोस्तों, तो कौन सा नरक में कौन लोग जाते हैं पूरी वीडियो देखिए। बहुत से मनुष्य भोजन करते वक्त किसी व्यक्ति का स्मरण नहीं करते हैं और भोजन के नियमों को नहीं मानते हैं, इसका उसके जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। पुराना में कहा गया है कि जो देवताओं तथा पितरों का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही अथवा उन्हें अर्पण करने से पहले ही भोजन कर लेता है वह लालभक्ष नामक नरक में यमदूत द्वारा गिराया जाता है। पुराना अनुसार झूठी गवाही देने वाला मनुष्य रौरव नामक में गिराया जाता है। गौओं और सन्यासी को कहीं बंद करके रोक रखने वाला पापी रोद नरक में गिराया जाता है। मंदिरा पीने वाला शुकर नरक में और नर हत्या करने वाला ताल नरक में गिराया जाता है। गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला पुरुष तप्त कुंभ नामक नरक में गिराया जाता है। जो अपने भक्त की हत्या करता है उसे तप्त लोक नरक में तपाया जाता है। गुरुजनों की अपमान करने वाला पापी महाज्वाल नरक में डाला जाता है। गरु पुराण अनुसार वेद शास्त्रों का अपमान करने वाला उन्हें नष्ट करने वाला लवन नामक नरक में गलाया जाता है। धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाला विमोहक नरक में जाता है। देवताओं से द्वेष रखने वाला मनुष्य कृमि भक्ष नरक में गिराया जाता है। आजकल लोग ज्यादा छली हो गए हैं। सब जीवों के व्यर्थ बैर रखने वाला तथा छल पूर्वक अस्त्र शस्त्र का निर्माण करने वाला भीषण नरक में गिराया जाता है। असक्त ग्रह करने वाला अधोमुख नरक में और अकेले ही मिष्ठान ग्रहण करने वाला पूर्वक नरक में गिराया जाता है बहुत से लोग जानवरों को पालकर उसके बल पर अपना जीवन यापन करते हैं। आजकल मुर्गे बेचने वाला कुत्ता पालने का व्यापार भी चल रहा है। बकरा मुर्गा कुत्ता बिल्ली तथा पक्षियों को जीविका के पालन करने का मनुष्य का पूर्ववत नरक में पड़ता है। बहुत से लोग दूसरों के प्रति बैर भाव रखते हैं और उनका हित करने के ही सोचते रहते हैं। पुराना में कहा गया है कि दूसरों के घर खेत घास और अनाज में आग लगाता है वह रुधिरांध नरक में जाता है। ज्योतिष विद्या का आजकल ज्यादा प्रचलन है। झूठ बोलकर धंधा करने वाला ज्योतिषियों की तो भरमार हो चली है। पुराणों के अनुसार नक्ष विद्या तथा नट एवं मलों की वृद्धि से जीवन यापन करने वाला मनुष्य बैतरक नरक में गिराया जाता है। धन ताकत और जवानी में अंधे और उन्मुक्त होकर दूसरों के धन का अपहरण करने वाले पापी को वृक्ष नामक नरक में गिराया जाता है। पूरे विश्व में पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया जा रहा है लेकिन बहुत तेजी से वृक्षों को काटा जा रहा है। पुराणों अनुसार वृक्षों को काटने वाला मनुष्य अश्रु पवन में जाता है। वृक्षों में पीपल बर्ड नीम केल अनाज बिल आम अशोक समी नारियल अनाज बांस आदि पवित्र वृक्षों को काटने का घोर पाप माना जाता है। तो दोस्तों इस तरह का है नर्क और स्वर्ग की कहानी। तो दोस्तों नर्क जाने वाले के तो आप लोग जान गए हैं और अगला वीडियो स्वर्ग वाला बनेगा। तो उससे पहले हमारे वीडियो को यदि आप राम भगवान के सच्चे भक्त हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, अल्लाह के भक्त हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें। देखते हैं किसके भक्त ज्यादा मिलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगला वीडियो में। आप लोग के लिए सभी के लिए जय हिंद।